हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कबीर अली और आप देख रहे हैं डीएमके किंग्स। उम्मीद है कि दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो हम ऑटोडेस्क पिक्सलर के हवाले से बना रहे हैं और ऑटोडेस्क पिक्सलर का ये हम 4 लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस 4 लेसन में हम आपको 4 टूलों के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, हम अपने पिक्सलर को ओपन करते हैं और यहाँ से देखें, ये पिक मैं उठा रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे पिक्सलर मैंने इसको ओपन किया, ये देखें दोस्तों ये ओपन हो गई है। अब चलते हैं हम यहाँ पे, ये देखें इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ये देखें ब्रूशेस, ये हमारे ब्रूशेस टूल हैं। यहाँ पे ये ब्राइटनेस, ये बिल्कुल ही मैजिकल ये मकसद टूल है। और दूसरे नंबर पर डार्कन और तीसरे नंबर पर है पिक्सलेट और चौथे नंबर पर डूडल। तो दोस्तों चलते हैं हम यहाँ से, हम अपने ये देखें ब्राइटनेस जो हमने आपको थंबनेल में पिक दिखाई थी ये वही पिक है। और ये देखें हम यहाँ से इसको थोड़ा एडिट भी कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको फुल बढ़ा लेंगे 100 पे, ठीक है दोस्तों, ये 100 पे। और यहाँ पे आएंगे साइज में फिर दोबारा और इसको जूम करते हैं, ठीक है। इसको जूम करने के बाद यहाँ से हम इसकी साइज को इसके हिसाब से रखेंगे और यहाँ पे इस पर वर्क करना शुरू करेंगे। इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और ये देखें इसकी दाढ़ी की सेटिंग भी आ रही है। और ये देखें तो ये देखें दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल ब्राइटनेस दे दिया है। अब यहाँ से हम दोबारा इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ से दोबारा हम इंटेंसिटी में आएंगे और इसकी इसको कम करेंगे बिल्कुल, ये देखें 20 पे रख देते हैं। यहाँ से हम इसकी साइज को छोटा करेंगे और दाढ़ी पे वर्क करना शुरू करेंगे, देखें यहाँ से, ये देखिए ये सेटिंग से आ रही है। बस इसमें ऑटोडेस्क पिक्सलर में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि सेटिंग, वो हाथ का सेटिंग, फिंगरों का सेटिंग ऐसे रखना है, सफाई से बिल्कुल एडिट करना है तो आपकी तमाम बेहतरीन पिक्स एडिट होंगी। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ से कर दिया और यहाँ से इसको ओके कर दिया, देखिए। अब दोबारा हम इसमें आएंगे और अगेन ब्राइटनेस इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से अगेन इसको 100 पे करेंगे। यहाँ से साइज में आएंगे और साइज को छोटा करेंगे और यहाँ से अगेन इसको वाइटनेस ब्राइटनेस देंगे, देखें ये देखें दोस्तों, हमने इसको ब्राइटनेस दिया। तो यहाँ से हम दोबारा इसमें आएंगे और इसको कम करेंगे और साइज को थोड़ा इसके हिसाब से रखेंगे और ये देखें ये इसके फेस के साथ दिए, देखें इसकी सेटिंग भी आ रही है। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपके सामने ये देखें ये है ना इंटेंसिटी, इसकी सेटिंग आपको कम और ज़्यादा करनी होगी। तो चलते हैं दोबारा इसको 100 पे करते हैं और यहाँ से पूरे पिक की ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे। इसको दोबारा कम करेंगे और यहाँ से दोस्तों यहाँ से इसको ओके करेंगे और दोबारा इसमें जाएंगे डार्कनेस। और अगर हमें यहाँ से ये देखें दाढ़ी को थोड़ा
हमें ब्रेक करना हो तो यहाँ से इसको 100 पे रखेंगे और साइज को कम करेंगे और ये देखें, ये देखें, ये देखें, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे हम आते हैं पिक्सलेट में। पिक्सलेट में दोस्तों ये देखें, अगर इसको हम बढ़ा देंगे ना तो ये देखें, ये कुछ ब्लैटिंग हो रही है इसकी वर्किंग के दोस्तों। इसको हर जगह यूज नहीं करते हैं, इसको कहीं कहीं पे यूज करना पड़ता है। यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे और दोबारा इसमें आएंगे और डूडल, डूडल में दोस्तों, डूडल के बारे में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इसमें हम अपने फेस को कलर दे सकते हैं और बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं अपने, जो है कि ये देखें इस पिक में केप है, हम केप के कलर चेंज कर सकते हैं और क्लोथ्स, क्लोथ्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं डूडल में। तो यहाँ से हम इसको जूम करेंगे और ये देखें, ये देखें, ये निशान लगा हुआ है ब्रश का, कलरिंग का। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये देखें, यहाँ पे फेस के कलर पे आएंगे, जहाँ पे हमें फेस का कलर हमें रखना होगा सेटिंग से, वहाँ पे हम छोड़ देंगे इसको और इसकी साइज को कम करेंगे। देखो बिल्कुल नॉर्मल साइज, ये देखो मैं 20 पे रख देता हूँ और यहाँ पे फीदर को, ये चीज डूडल की ये फंक्शन, तीन फंक्शन है, साइज, फीदर और कलर। यहाँ पे हमें फीदर का जहन में रखना है, फीदर को हमें हाई करना है। ठीक है, 90 पे रख देता हूँ मैं। यहाँ पे आएंगे और इसको जूम करेंगे और ये देखो थोड़ा साइज को बढ़ाएंगे और ये देखिए, ये सेम कलर में आ रही है। हम यहाँ से देखो ये बिल्कुल हल्की हो गई है, और थोड़ा कलर रखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आइस की तरफ से थोड़ा गलती होगी थोड़ी सी। आप इसको सेटिंग से रख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं, ये देखिए बिल्कुल सेम कलर में आ रही है। आप पूरे बॉडी पे एक ही कलर दे सकते हो, वो भी अच्छे से। मैं तो ऐसे ही आपको बताने के लिए कर रहा हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको पिक बना के भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देखें, ये हमने इसको अपने ओरिजिनल साइज में रखा है और ये देखिए हमने कलरिंग किया। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं दोबारा, अब दोबारा एक दफ़ा सेटिंग से कर लेते हैं इसको। ये देखें यहाँ पे कलरिंग पे आ गए और फीचर को हाई कर दिया और यहाँ से इसको साइज को बड़ा कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप अपने हिसाब से, अपने सेटिंग से इसको जैसे चाहे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच सके। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।